बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां पर शंकरगढ़ थाना अंतर्गत एक बार फिर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पूरा मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर आरोपी ने शादी का झांसा देकर लगातार पीड़िता से दुष्कर्म करता रहा। फिर जब पीड़िता ने उससे शादी के लिए प्रस्ताव रखा तो उसने उसके साथ मारपीट की, जिसकी सूचना उसने शंकरगढ़ थाना को दी और रिपोर्ट दर्ज कराई। SDOP रितेश चौधरी के निर्देशन में आरोपी को सक्रियता से पकड़ लिया गया है और उस पर कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड के लिए भेज दिया गया है। भगवतपुर की एक पीड़िता है, जिसके साथ कुसमी का आरोपी इम्तियाज अंसारी जनवरी 2018 से शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार बलात्कार कर रहा है। अब जब पीड़िता ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा तो आरोपी इम्तियाज अंसारी उसके साथ मारपीट किया है, उसे जान से मारने की धमकी दिया है और उससे शादी करने से इनकार कर दिया है। जो पीड़िता के आवेदन पर थाना सरकारगढ़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और थाना कुसमी के आरोपी इम्तियाज अंसारी को बलात्कार की धाराओं के तहत आज गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है। धारा 450, 376, 2 के तहत कार्रवाई की गई है। बढ़ेंगे की खबर की ओर, जहां पर महासमुंद जिले में पशु विभाग में पदस्थ 2 बाबुओं को कंटी एंटी करप्शन ब्यूरो ने 39,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पशु विभाग से पदस्थ सहायक ग्रेड 2 उमाशंकर गुप्ता व सहायक ग्रेड 1 सविता त्रिपाठी, प्रार्थिया सुरेखा राउत, जो शासकीय पशु प्रजनन अंजोरा दुर्ग में भृत्य के पद पर पदस्थ थी और 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुई थी, जिनका पेंशन प्रकरण बनाने के नाम इन दोनों ने रिश्वत की मांग की थी। प्रार्थिया ने इन्हें एक बार 17,000 रुपए व दूसरी बार 40,000 रुपए रिश्वत के नाम पर दे चुकी थी। प्रार्थिया परेशान होकर इसका शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में की। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज DSP विक्रांत राही के अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम ने पशु विभाग में छापा मारा और दोनों आरोपियों को 39,000 रुपए नकद रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर बिलासपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। त्योहारों के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में रेल अधो संरचना विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का प्लान है। 2023 तक रेलवे का लक्ष्य स्वीकृति कार्यों को पूरा करने पर है। अकेले छत्तीसगढ़ में ही करीब 5,700 करोड़ रुपए के रेल विकास के कार्य किए जाने हैं। वर्ष 2022 से 2023 के बजट में छत्तीसगढ़ को करीब 5,700 करोड़ रुपए अधोसंरचना संरक्षा और रेल विकास के लिए मिले हैं। इसमें डबलिंग, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन के साथ ROB, RUB सहित अन्य रेल विकास के कार्य होने हैं। ऐसे में रेलवे के सामने एक बड़ा लक्ष्य इन प्रोजेक्ट को पूरा करने का है, जिसे लेकर रेलवे लगातार कार्यों को गति देने में लगा हुआ है। हालांकि इसके लिए रेलवे ब्लॉक ले रहा है, ट्रेनों को रद्द कर रहा है, जिससे रेल यात्री खासा परेशान हो रहे हैं। इस 2022-23 के में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में, अगर हम केवल छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, 5,700 करोड़ रुपये से ही अधिक दिया, केवल एक साल के लिए दिया है। और इसमें विकास कार्य होने हैं, जिसमें कि झारसूरा से बिलासपुर फोर्थ लाइन, नागपुर से दुर्ग थर्ड लाइन, पेंड्रा अनूपपुर से लेकर के कटनी तक थर्ड लाइन, इसके अलावा ऑटो सिग्नलिंग वर्क्स हैं, कई साइडिंग्स वेरिफिकेशंस के वर्क्स हैं। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं संबंधित वर्क हैं, जिसमें कई FOV बनने हैं, कई हम जैसे हमारा उसलापुर बिलासपुर फ्लाईओवर बनना है और इसके अतिरिक्त कई प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन होना है, कईयों की हाइट बढ़नी है। तो ये सारे काम हैं जो कि इस वर्ष हमें करने हैं।